अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सा आलू गोश्त, जो कि आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा क्योंकि ये झटपट रेसिपी है मेरी। और इसके लिए सबसे पहले हमें ऑयल लेना है, आधा कप के बराबर ऑयल, क्योंकि आलू गोश्त पे ऑयल आया हुआ और एक हरी मिर्च, ये दोनों बहुत अच्छा जायका देती है। तो एक पैन में हमने ऑयल ले लिया है आधा कप तकरीबन, आप अपने हिसाब से इंग्रेडिएंट्स ऐड किएगा। उसके बाद मैंने गरम मसाला इसमें ऐड किया है, साबुत गरम मसाला। इसको थोड़ा सा पकाकर हम इसको फ्राई करके उसमें हम अनियन ऐड कर देंगे। प्याज़ ऐड की है मैंने तकरीबन दो, और यहाँ पर मैंने दो ही टमाटर ऐड किए हैं, हरी मिर्च और लहसुन अदरक का इसको हम पेस्ट बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पर प्याज हमारी ब्राउन हो गई है, ये मैंने पेस्ट इसका तैयार कर लिया है। अब इसको जो है वो हम ऐड करेंगे प्याज में। ठीक है, इसके बाद हम गोश्त ऐड करेंगे। मैं वैसे अगर लहसुन अदरक डायरेक्ट डालती हूँ तो मैं फिर उसके बाद गोश्त ऐड करती हूँ, वरना अगर मैं मसाला बना कर रही होती हूँ, जैसे लाइक मैं पीस कर अगर डाल रही होती हूँ, तो फिर मैं गोश्त बाद में ऐड करती हूँ। ठीक है, अब इसमें मैंने तकरीबन पाव गोश्त होगा ये, और ये बीफ है, हमने इसको डालना है। और ये फ्रीज़र का था तो मैं चाहा था कि ये टूट जाए, टूट गया था फ़ौरन ही, तो ये हम इसको भूनेंगे यहाँ तक कि ये बिल्कुल इस ऑयल अलग कर दे। यहाँ मैंने दही लिया है, थोड़ा सा मसाले वाला बनाना चाह रही थी शोरबा, ताकि ज़्यादा रहे, और आलू गोश्त का शोरबा बहुत अच्छा लगता है चावलों के साथ। दही को अच्छी तरीके से पेस्ट बना लिया क्योंकि ये फ्रिज का रखा हुआ था। अब इसके बाद हम जो है वो इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें सबसे पहले नमक आ जाता है एक चम्मच। मुझे यही वाले चम्मच का हिसाब है, तो मैं इसी से ही अपना खाना बनाती हूँ, जो भी मुझे बनाना होता है। दो चम्मच मैंने इसमें हरा धनिया ऐड किया पिसा हुआ, इसके बाद एक चम्मच भर के पिसी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, और ये मसाला मेरा अपना बनाया हुआ है, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसको जो है वो हम ऐड कर देंगे अच्छी तरीके से पेस्ट बनाकर, अपने जो हमारा मसाला भुन रहा है उसमें। अच्छा, हल्दी जब हम इसमें ऐड करते हैं, और लहसुन अदरक जो पहले मैंने पेस्ट ऐड किया था उसको भी मैंने भुना, अब मैं इसको भी भूनूंगी ताकि जो इसमें मसालों की जो स्मेल होती है वो चली जाए। देखिए कितना अच्छा डार्क कलर आया है, रेड कलर का, माशाल्लाह माशाल्लाह सालन का, अभी से ही भूनते हुए इसका इतना अच्छा कलर आ गया है। तो आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी। बस इसके बाद मैंने इसमें आलू ऐड किया और मैंने इसको पकाया, और उसके बाद ये इसका फाइनल लुक है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।